हॉस्पिटल में इतने साल निकाले ना, वहाँ पे बच्चों को खाना नहीं मिलता था, छोटे बेटे को ब्लड कैंसर खाना, हर चीज खराब आ रही है आजकल। होटलों का खाना होता है आपको पता ही है उसमें कैसे बनता है कैसे नहीं बनता, कैंसर किससे हो रहा है, इन चीजों से तो हो रहा है। क्योंकि मैंने अपने बेटे को 1.5 साल देखा, इतनी प्रॉब्लम है, मैं हमें वहाँ पे खाने को भी नहीं मिलते, घर का ही खाना है यूज करते, मैं अपने बेटे को भी खिलाती है खाना, हम एकदम साफ सुथरा खाना बनाता है, मतलब घर के जैसा खाना है। मैंने ऐसा टाइम देखा है, कभी रोटी भी नहीं होती थी, रोना नहीं आता, बस हिम्मत है बहुत मेरी। डॉक्टर साहब थोड़ी देर के लिए मेरा बेटा छोड़ दो, मैं उनके हाथ से छीन भी लेती थी बच्चों को, उसको बहुत पेन होती थी, यहाँ लगते थे यहाँ लगते थे, कीमो चढ़ती थी, आपको पता है नसें ब्लॉक हो जाती है। क्या क्या मिलता है आपके पास? हमारे पास आज राजमा चावल है, दाल चावल है, कड़ी चावल है, हमारा घर का जैसा खाना है इसलिए सब यहाँ पर आते हैं। बिल्कुल घर जैसा? बिल्कुल घर जैसा। तो आप घर की दाल भी लेके आते हो? हाँ जी, शाम को हमारा सारा खाना खत्म हो जाता है क्योंकि हमारे जैसी दाल यहाँ पे किसी के पास भी नहीं। ऐसा क्या है कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि नहीं यार बिल्कुल ही अलग चीज मिलेगी? सुबह 7 बजे से बनाना शुरू हो जाते हैं। खाने का ही क्यों, कुछ और आपने क्यों नहीं सोचा? मैम घर बैठे बैठे फ्री बैठी हुई थी, कुछ तो करना था, बेटा बीमार था पहले, एक बड़ा बेटा और है, 2 बेटे हैं मेरे, छोटे बेटे को ब्लड कैंसर था ना मेरे। पहले तो मैं हाउस वाइफ ही थी, घर ही रहती थी, 3 साल हॉस्पिटल में रही हूँ, बेटे का इलाज कराया मैंने, फिर फ्री थी, क्या करती मैम, घर रह के तो फायदा तो था नहीं, अब कुछ तो करना है ना आगे, बेटे के लिए भी करना है, अब उसका इलाज खत्म है, अब मैं फ्री हो गई हूँ। पेनफुल नहीं लगता कि नहीं यार बच्चा कैसे सह रहा है इतना ट्रीटमेंट? लेकिन अब ठीक है, कीमो खत्म हो गई है, तब मैं फ्री हूँ, अपने घर से बाहर निकली हूँ, अब घर रह लेता है। मैंने बचपन से लेकर कभी नहीं छोड़ा, 6 महीने से छोड़ा है, क्योंकि उसको बाहर का खाना हम देते नहीं है ना, इन्फेक्शन होने का डर रहता है, खाना बना के भी आती हूँ, यहाँ आके काम करती हूँ, फिर घर जाके फिर काम करती हूँ। हॉस्पिटल में इतने साल निकाले ना, वहाँ पे बच्चों को खाना नहीं मिलता था, होटलों का खाना होता है आपको पता ही है उसमें कैसे बनता है कैसे नहीं बनता, रिफाइंड आपको पता, हर चीज खराब आ रही है आजकल, कैंसर किससे हो रहा है, इन चीजों से तो हो रहा है। हम एकदम साफ सुथरा खाना बनाते हैं, मतलब घर के जैसा खाना है, जैसे एक दाल ले लो, राजमा ले लो, साथ में 4 रोटी, उसके साथ में चावल नहीं है, राइस ही मिलेंगे आपको, वो है 50 रुपीज के थाली लोगे, 80 वाली थाली भी, 100 वाली थाली भी है, राजमा चावल भी है, दाल चावल भी है, अब इसमें रोटी है, जैसे आप राइस ले लोगे ना तो आप 6 रोटी ले सकते। कितने वाली थाली है दीदी? 100 वाली, सब्जी भी मिल रही है, दाल भी मिल रही है, राजमा मिल रही है, 6 चपातियां मिल रही है, ये मैम 50 वाली जो मैंने आपको बताई थी। इसमें देखो ये आ गई कड़ी, पकौड़े भी होते हैं दीदी इसमें? हाँ जी मैम पकौड़े भी है, हमारे जैसे राजमा आपको मिलेंगे भी नहीं कहीं, रोज बनती है हमारी चटनी, ताजी चटनी है, 4 रोटी होती है, ये 50 वाली में राइस नहीं होते। अब आपको मैं 80 वाली थाली लगा के दिखाती हूँ, हमारी 80 वाली थाली है। तो मतलब आपके जो फिक्स कस्टमर है वही आ गए? नहीं, वैसे अभी हमारे आने शुरू हो गए, अब तो पहले नहीं थे, अब तो आने लग गए, बहुत परेशानी देख ली इसलिए हम खुश रहते हैं, बेटे के आगे भी नहीं वो करते, फील भी नहीं होने देते, जो बीत गया सो बीत गया, आगे की सोच के चलते हैं। मतलब जो कुछ बनाते हो जो कुछ सर्व कर रहे हो सब कुछ फ्रेश है? फ्रेश है, कुछ भी ऐसा नहीं कि सैलेड वैलेड भी काट के रखा हुआ है? सैलेड वैलेड भी हाथ हाथ काटते हैं, और हमारा खाना कोई बचा हुआ नहीं होता कि एक दिन हम उठा के रख दें, हम बांट देते हैं। इसमें राइस भी है, 4 रोटी और राइस है, पहले हम रोटी देते हैं, ठंडी हो जाती है ना, हम कभी मना नहीं करते, आप एक्स्ट्रा ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको मना करा जाएगा दोबारा खाने के लिए, खिलाओ तो पेट भर के खिलाना चाहिए ना। ये दादी ये अभी रोटी एक रखी है मैंने, आप खाओ, गरम गरम रोटी आ रही है, ये आपकी 80 वाली थाली तैयार है, पूरे इस गली में कहीं नहीं, कहीं नहीं मिलेगा इस गली में। मैं तो घर से खाना लाता नहीं हूँ, तो हम यहीं पे आके खाना खा लेते हैं, सबसे अच्छी बात इनकी क्या है, एक मन से नहीं खिलाते हैं, अगर पेट भर गया फिर भी मैम कहती है ले लो चावल एक्स्ट्रा ले लो, तभी तो हम रोज जा रहे हैं, अब जो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करेगा तो उसके कस्टमर वो थोड़ी आएगा। मैं होटल पे जा रही थी तो मैंने देखा कि यहाँ पर है तो मेरे को लेट हो रहा था, मैंने कि चलो खा लेते हैं, मेरी मम्मी बाहर का नहीं खाती है, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही है, टेस्ट कैसा है यहाँ का? कड़ी मेरे को अच्छी लगी। 80 रुपए वाली थाली में इतना सब कुछ मिलता है, अनलिमिटेड थाली कह सकते हो, अगर आपको कुछ कम पड़ रहा है तो दोबारा से रिफिल हो जाता है, कोई चार्जेस नहीं रखते हैं। तो मुझे इस थाली में सबसे अच्छा जो लगा वो लगा कि एक थाली में ना आपको बहुत सारी वैरायटियां मिल जाएंगी, कड़ी, राजमा, दाल और ये राइस और ये चपाती। तो ये लेते हैं राजमा और इसको टेस्ट करते हैं। सो बात अगर टेस्ट की करें ना, एकदम मजेदार वाला टेस्ट है, सीरियसली मजा आ गया, कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं है। अगर बिल्कुल घर वाला खाना खाना है, घर के खाने की याद आ रही है ना, तो यहाँ पे आके एक बार मेरे महीने पे जरूर ट्राई करना, मुझे टोटल वर्थ इट लगा 80 रुपए में, मजा आ गया खा के। ये निर्माण विहार पड़ता है MKNL कॉफी से पीछे, स्कोप मीनार की बिल्डिंग है, इसके पास 11:30 बजे लग जाती है, 4:30 तक हम, मैं यहाँ पे इसको एंजॉय करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और अगर खुश रहना है तो मैं इतना खाते रहिए।